पीएम किसान सम्मान निधि 15वीं किश्त का इंतजार होगा खत्म। केवाईसी का काम कर ले पूरा, समय पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसका इंतजार देश भर के किसान काफी समय से कर रहे हैं। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त की रकम आ चुकी है। अब किसानों को 15वीं किश्त की रकम का इंतजार है। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में जुलाई महीने के अंत में ही आ चुकी है। 14वीं किस्त के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में करीब 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपए के रूप में 6000 रुपए की राशि दी जाती है। 15वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाती है। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और प्रत्यक्ष आय सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि किसान अपनी कुछ जरूरतों को इस रकम से पूरा कर सकें और उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो। किसानों के खाते में 14वीं किस्त की रकम आ चुकी है और अब उन्हें 15वीं किस्त का इंतजार है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल सरकार ने 15वीं किस्त के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए योजना के इच्छुक किसान पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। कैसे भरें पंजीकरण फॉर्म। किसान पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इच्छुक किसान अपना नाम, पता, बैंक खाते की जानकारी और भूमि स्वामित्व विवरण सहित अन्य चीजों को भर दें। इसके बाद प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आपका पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी आपके भरे हुए विवरण को सत्यापित करेंगे। इसके बाद आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा। एक बार जब आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है तो आपको रुपए की आय की सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। लिस्ट में चेक करें अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना के इच्छुक हैं तो लिस्ट में अपना नाम चेक करना बड़ा आसान है। इसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दिए गए किसान कॉर्नर में जाएं, वहां लाभार्थी सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट में क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव का चयन कर लें। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करें टैब पर क्लिक कर दें। आपके स्क्रीन पर पीएम किसान योजना के लाभार्थी की सूची आ जाएगी। इस सूची के क्रम में अपना नाम चेक कर सकते हैं। केवाईसी बेहद जरूरी। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम उन्हीं किसानों के खाते में आएगी जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है। अगर योजना के इच्छुक होते हुए भी आपने केवाईसी नहीं कराया है तो इसे जल्द पूरा कर लें। ईकेवाईसी आप ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें। अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहां होम पेज नज़र आ रहे विकल्पों में से फॉर्मर्स कॉर्नर के सेक्शन में ईकेवाईसी का विकल्प चुनें। इसके बाद आधार नंबर डालें, फिर आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज कर लें। इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP आएगा। इसे आपको OTP बॉक्स में दर्ज करना है। यहाँ आपको OTP दर्ज करके सबमिट OTP बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपकी ऑनलाइन EKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको EKYC इज सक्सेसफुल सबमिटेड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर साल 6000। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपये के किस्त में 6000 रुपये की रकम मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 2000 रुपये की रकम डाली जाती है। हालांकि योजना के पात्र होने के लिए किसानों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। बड़े और समृद्ध किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, साथ ही संवैधानिक पद रखने वाले व्यक्ति, केंद्र या राज्य सरकार के सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारी और कर्मचारी, और जो आयकर का भुगतान करते हैं, वैसे किसानों को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके काम की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।